चाहे कुछ भी हो जाए सारांश, थारा ब्याह उस दहेज दासी संग मैं कभी ना होने दूंगी। एक दहेज दासी है, हमारे घर की बीदनी कभी ना बनेगी, क्योंकि एक दहेज दासी की जिंदगी का बस एक ही मंत्र हो वह है सेवा में सौभाग्य। बलजीसा अब तो तीर कमान से निकल चुका है ना, अब दाएं बाएं को नहीं कर सकते, और पंचों ने भी तो फैसला सुना दिया है ना, और आप हम अगर अपने पैर पीछे ले लेंगे ना तो अब हमारे खानदान की हालत ना सूर्पणखा के जैसे नाकटी हो जाएगी, और अपनी नाक बचाने के लिए कल ना सारांश को दहेज दासी से ब्याह करना ही पड़ेगा। नहीं तो ना हमारे गांव के बच्चे हम सबकी इज्जत के पन्ने फाड़कर ऐसे पतंग उड़ाते फिरेंगे। बावड़ी हो गई तू, छोरा नहीं गधा पैदा किया तूने। भाभी 16 आने सच कह रही है, नाक तो तब भी कट जावेगी जब इस घर आई दहेज दासी इस घर की बीजड़ी बन जावेगी, अक्ल बिना की। अरे आप बात को नहीं समझ रहे, जी साहब 50 गांव की महासरपंच हैं, और इनको देखते ही ना सब इनके सामने ऐसे हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं, और कल को जब ब्याह ना हुआ ना तो फिर सब यही बोलेंगे कि अपने घर का मामला है इसलिए बिंद्या देवी पक्षपात कर गई, पंचों के खिलाफ चली गई, और ये बात ना मैं और हमारा बेटा बर्दाश्त को नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों ने बलिदान देने के सोच लिया है, और फिर थारे को मारे को जो बुरा भला बोलना है बोल लो। भाभी साहब नहीं होती ना तो तुम दोनों का बलिदान यही कर देता मैं। चाहे जो भी हो जाए जीसा, इस हवेली को उसका वारिस तो हमारा बेटा सारांश ही देगा। हाय, हवेली और पास आ रही है। नमस्ते, मैं चुनरी। हमारी आगे की कहानी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और देखिए हमारा शो दहेज दासी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ नजारा टीवी पर।